अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था सेल बायोलॉजी सेक्शन में सेल साइकिल। तो इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, बायोलॉजी क्लास 9। ये जो चैप्टर है सेल साइकिल, इससे पहले हमने जो लेक्चर्स लिए उसमें हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद हमने इंटरफेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और G0 फेज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। फिर उसके बाद हमने माइटोसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके तहत हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, तो माइटोसिस को हमने डिस्कस किया। फेजेस ऑफ माइटोसिस वो हमने देखे, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का जिक्र किया। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनको जिक्र किया। इसके बाद हमने माइटोसिस के अंदर सिग्निफिकेंसेस देखी माइटोसिस की, जैसा कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, सेल रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है, ये सारी सिग्निफिकेंसेस डिस्कस की। उसके बाद हमने एरर इन माइटोसिस वो डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है इसमें कोई एरर आ जाए तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। इसी तरह फिर हमने इसके अंदर जो दूसरा फिनोमिना है जिससे गैमेटिक सेल डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी के, जिन्हें हम मियोसिस कहते हैं, तो मियोसिस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। मियोसिस के अंदर हमने फेजेस ऑफ मियोसिस वो डिस्कस किए, जिसमें हमने मियोसिस 1, मियोसिस 2 का जिक्र किया। मियोसिस 1 के अंदर हमने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, इसको जिक्र किया। इसी तरह हमने थोड़ा सा मियोसिस 2 के बारे में पढ़ा, और फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर हमने मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, ये एक पॉइंट डिस्कस किया। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, ये डिस्कस किया हमने, और सेम इसी तरह हमने एरर इन मियोसिस इसको जिक्र किया। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 छोटे से क्वेश्चन बच गए हैं, जिनको हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे हम टेबल्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में मैं आपको इसके कुछ डिफरेंसेस, ये जो 2 हमने स्टेजेस पढ़ी हैं सेल डिवीजन की, मियोसिस और माइटोसिस, तो बेसिकली हम इनमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि व्हाट इज द कंट्रास्ट और कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये क्या है। तो ये जैसे माइटोसिस में मैंने इसको लिखा हुआ है कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, जैसे कि आपको पता है, ये शुरू में भी हमने पढ़ा कि माइटोसिस आमतौर पर हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स जो है, सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, तो इनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, ये जिस फिनोमेना के थ्रू डिवाइड होते हैं उसको माइटोसिस कहते हैं, जबकि मियोसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन गोनेड्स, यानी ये हमारी बॉडी के जो गैमेट सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे फिर एम्ब्रियो जायगोट बनता है, तो ये जो गैमेट सेल्स हैं एग और स्पर्म, इनकी जो डिवीजन है, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस के थ्रू होती है। इसी तरह दूसरा जो डिफरेंसेस है वो है माइटोसिस रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल्स, यानी माइटोसिस के थ्रू जो है जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उससे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो मियोसिस निकला ही मियोन से है, मेक्स मच स्मॉलर, यानी एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स माइटोसिस के अंदर नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसमें किसी किस्म की कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। सोमैटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं एस फेज के अंदर, और वो फिर आगे एना फेज के अंदर वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो लिहाजा जो 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद और सारी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर होती है। जबकि मियोसिस के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कि मियोसिस 1 के अंदर जब हम प्रोफेज 1 पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है,
क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली होता क्या है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस वन में प्रोफेज वन पे ये होती है, तो जबकि माइटोसिस के अंदर इस किस्म की कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अच्छा बच्चों, इसके बाद नंबर फोर पॉइंट जो कंपैरिजन के अंदर आता है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स एज द मेन सेम एज इन पेरेंट सेल। तो माइटोसिस के थ्रू जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे, एक सेल से दो डॉटर सेल्स, तो उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होगी जो पेरेंट सेल के अंदर थी। यानी अगर हमारी बॉडी का कोई सेल है, सोमेटिक सेल, वो डिवाइड हुआ है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, तो जब उससे दो डॉटर सेल नए सेल बनेंगे तो उनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी। जबकि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। यानी जब इनमें अगर 46 है तो मियोसिस के थ्रू जब ये सेल डिवाइड हो गए तो इसमें फिर डॉटर सेल्स के अंदर 23 जो है वो हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ये गैमेट सेल्स आगे फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक गैमेट सेल जो है एग, अगर उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, दूसरे सेल है एग जिसने इसके साथ फर्टिलाइज करना है एग और स्पर्म ने, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, तो जब नया जायगोट बनेगा तो उसके अंदर फिर क्रोमोसोम की तादाद 46 हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम्स सेल डिवाइड होते हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। नंबर फाइव जो कंपैरिजन है वो है डॉटर सेल्स रिमेन्स डिप्लॉयड, यानी इनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो दे बिकम द हैप्लॉइड सेल्स, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। सो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने एक कंपैरिजन ड्रा किया बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। इसके बाद बच्चों हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बेसिकली ये दो फिनोमेना है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर द टू फिनोमेनाज ऑफ सेल डेथ। ये बेसिकली सेल डेथ का ये दोनों फिनोमेनाज हैं, दोनों प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों को अलग-अलग से डिस्कस भी करूँगा, इसकी सिग्निफिकेंस भी बताऊँगा और आपको सारी ये डिटेल्स इसके साथ शेयर करेंगे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो प्रोसेस है इसके थ्रू कैसे सेल्स की जो है वो डेथ होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एपोप्टोसिस जो है इसके बारे में मैं आपको जिक्र करता हूँ। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, दे आर द टू फिनोमेनाज ऑफ सेल डेथ। बेसिकली ये दोनों फिनोमेना के थ्रू सेल की डेथ होती है। सबसे पहले मैं एप्टोप्सिस के बारे में आपको बताता हूं। एप्टोप्सिस इज द वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है एप्टोप्सिस, इसके अंदर सेल की डेथ होती है, एक प्रोग्रामिंग डेथ होती है। सेल अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद एक उसके अंदर डिफरेंट सिक्वेंशियल चेंजेस आती हैं जिसके थ्रू फिर वो सेल की डेथ जो है वो हो जाती है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इन एडल्ट ह्यूमन सेल 50-70 billion सेल्स डाई ईच डे बाय एप्टोसिस। यानी हमारी बॉडी के अंदर, एडल्ट ह्यूमंस की बॉडी के अंदर 50-70 billion सेल्स जो हैं वो रोजाना इस प्रोग्राम एप्टोसिस के थ्रू उनकी डेथ होती है। तो जब ये एप्टोसिस के थ्रू सेल की डेथ होती है तो इस सेल के अंदर इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स, यानी इसके अंदर तरतीब में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के थ्रू जो है वो सेल की डेथ होती है। और ये जो प्रोसेस है डेट इज कंट्रोल बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, यानी इसमें इस प्रोसेस को भी बकायदा कंट्रोल किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, जो कि बेसिकली हार्मोन्स या इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स जिसके अंदर फूड डेप्रिवेशन है, वायरल इन्फेक्शन है, इनके थ्रू जो है वो सेल की डेथ होती है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है, और एक प्रोग्राम के तहत जो है वो सेल की डेथ होती है थ्रू एप्टोसिस। अब हम इसके अंदर मजीद पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं तरतीब में जिनके थ्रू जो है वो सेल की एप्टोसिस के थ्रू जो है वो डेथ होती है। फॉलोइंग इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन
एपोप्टोसिस। जब सेल की डेथ होती है यानी एपोप्टोसिस के थ्रू, तो इसमें सबसे पहला ये होता है कि सेल श्रिंक एंड बिकम राउंडेड, यानी सेल जो है सबसे पहले तो सुकड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और उसकी जो एक प्रॉपर शेप है वो खत्म हो जाती है और वो राउंड शेप में आ जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम्स। क्योंकि साइटोस्केलेटन पीछे हमने ऑर्गेनाइल्स के अंदर पढ़ा था, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि सेल की शेप को होल्ड करके रखती है। तो एक खास किस्म के एंजाइम्स रिलीज होते हैं सेल के अंदर जो कि इन साइटोस्केलेटन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जब ये माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इससे सेल की जो शेप है वो खत्म हो जाती है और सेल राउंडेड शेप में आ जाता है। तो ये पहला इवेंट होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे द साइटोप्लाज्म अपीयर्स डेंस एंड द ऑर्गेनेल्स अपीयर टाइटली पैक्ड। साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि उसके अंदर वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे मौजूद थे, प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, अब वो दे आर अपीयरली टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ पिचक जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे क्रोमेटिन अंडरगो कंडेंसेशन इनटू कॉम्पैक्ट पैचेस अगेंस्ट द न्यूक्लियर एनवेलप। वो जो क्रोमेटिन थे क्रोमोसोम बिफोर द सेल डिवीजन, वो भी कंडेंस हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनके दरमियान पैचेस आ जाते हैं और वो न्यूक्लियर एनवेलप के अगेंस्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो यानी इसको हम सादा लफ्जों में ये कहें, ये क्रोमेटिन जो है या क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इस स्टेज पे जाके, अपनी कंडेंसेशन जो है वो लूज कर देते हैं, खत्म कर जाती है उनकी, और वो पैचेस की सूरत में अपने आप को कंपैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है जिसके अंदर सेल जो है वो एपोप्टोसिस के थ्रू उसकी डेथ होती है, इवेंट जो है सेकेंड नेक्स्ट इवेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स एंड डीएनए इज फ्रेगमेंटेड। यानी अब जो न्यूक्लियस जो मेन ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप होती है तो वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन होता है तो वो जो डीएनए है वो भी छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाता है, फ्रेगमेंटेड यानी उसके पीसेस हो जाते हैं। दस द न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। तो जैसे ही न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमेटिन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटीरियल है, वो ब्रेक डाउन होके बाहर निकल आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। इसका मतलब है उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका होता है और उसके अंदर जितने भी जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए हैं, वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। द नेक्स्ट इवेंट दैट अकर इन एपोप्टोसिस, द सेल मेम्ब्रेन शोज इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लब्स थ्रू विच द सेलुलर कंपोनेंट्स आर डिस्चार्ज। अब वो जो सेल मेम्ब्रेन है जो बेसिकली सेल की शेप को उसने कवर किया होता है और एक सेल को शेप प्रॉपर प्रोवाइड करती है, तो बेसिकली वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है, उनके बीच में ब्लब कहते हैं छोटे छोटे ब्रेक डाउन ब्रेकेजेस लीकेजेस हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर, जिसकी वजह से वो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के अंदर जो भी मटीरियल है वो उन पैचेस के अंदर, उन सुराख के अंदर, उन ब्लब्स के अंदर से बाहर की तरफ डिस्चार्ज आउट हो जाता है। यानी अब वो सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है वो भी डैमेज हो जाती है। अब ये जो ब्लब्स हैं ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड नाउ कॉल्ड एपोप्टोसिस बॉडीज व्हिच इज आर देन फेगोसाइटोस बाय द अदर सेल्स। अब वो सेल मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन हो जाता है, डेड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके अंदर का जो मटीरियल है वो बाहर निकल आता है, और फिर वो जो अब हम उसको उसके सारे पार्ट्स को एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे, जिसको जो बाकी सेल्स हैं एज ए प्रोटीन के सोर्स पर उसको फैगोसाइटोस कर लेंगे, उसको इंगल्फ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे वो इवेंट्स जो हैं वो होते हैं प्रोसेस के अंदर, जिसके थ्रू सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो अपना फंक्शन ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर 50 से 70 बिलियन सेल्स जो हैं उनकी हर रोज़ जो है वो डेथ होती है थ्रू दिस phenomena that is known as apoptosis.
अब इस एपोप्टोसिस की हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेटली सिग्निफिकेंस है, नेचर ने अगर ये फिनोमेना रखा है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी होगी, सिग्निफिकेंस भी होगी। ये जो नंबर वन सिग्निफिकेंस है, एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज। एपोप्टोसिस बेसिकली कब होता है कि जब कोई सेल डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए उसके अंदर, कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाए, या अंडरगोइंग स्ट्रेस कंडीशन जैसे स्टार्वेशन, यानी स्ट्रेस कंडीशन के थ्रू भी, चाहे वो वाटर स्ट्रेस है, फूड स्ट्रेस है, या ओवरऑल स्ट्रेस कंडीशन है, तो उसके थ्रू भी सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डीएनए डैमेज फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स कैन ऑल्सो इंड्यूस एपोप्टोसिस। तो अगर कोई रेडिएशन हैं या टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर चले जाते हैं, या रेडिएशन पास थ्रू हो जाती हैं जिसकी वजह से उस सेल का जो डीएनए है अगर वो डैमेज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, तो वो भी वजह बन सकती है ओवरऑल पूरे सेल की डेथ की, जो एपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो सेल की डेथ हो जाती है। सो द डिसीजन फॉर द एपोप्टोसिस कैन कम फ्रॉम द सेल इटसेल्फ और फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज, कि ये जो सेल है इसकी जो डेथ है एपोप्टोसिस के थ्रू ये कैसे होती है, ये सेल खुद डिसाइड करता है कि वो लाइसोसोम जो एंजाइम्स खारिज कर देते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं वो पूरे सेल को इंगल्फ कर लेते हैं, या जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो फिर ये रोल प्ले करते हैं कि वो इस अब डैमेजिंग सेल्स को खत्म कर देते हैं थ्रू एपोप्टोसिस। दूसरी जो सिग्निफिकेंस है, एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल्स, यानी एपोप्टोसिस के थ्रू अब वो जो डैमेज सेल है वो रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि उसको फैगोसाइटोस कर लेते हैं बाकी सेल्स, एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स आर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। आप इस बात को समझें कि फर्ज करें कि एक सेल जो है उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर वो एपोप्टोसिस के थ्रू जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसके साथ वो इन्फेक्शन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो इन्फेक्शन इस तरीके से बाकी हेल्दी सेल्स के अंदर नहीं फैलेगा। तो ये डेफिनेटली एक इसके अंदर सिग्निफिकेंस के अंदर चीज आ जाती है। तो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। ये जो सेल डेथ का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो नेक्स्ट थर्ड जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज एपोप्टोसिस जनरली गिव्स एडवांटेजेस ड्यूरिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि खासतौर पर जब डिवेलपमेंट हो रही होती है, अगर हम चले ह्यूमंस की एग्जाम्पल लें कि जब वो फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे फिर जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लाइफ साइकिल शुरू होता है जिससे एक सेल से वो पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ये जो प्रोसेस है एपोप्टोसिस, जनरली इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर द डिफरेंशिएशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन अ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो रिक्वायर्ड सेल्स बिटवीन द फिंगर्स टू इनिशिएट प्रोसेस टू सो दैट टीचर्स कैन बी सेपरेटेड। तो जब हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है ह्यूमन बेबी की, तो जब उसके हाथों की और पाँव की जब उंगलियां फिंगर डिजिट्स बन रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, तो इनके बीच में जो सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस के थ्रू उनकी वो डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये सारे डिजिट्स और ये फिंगर्स या जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं जैसे वो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है एपोप्टोसिस की। इसी तरह अगर अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखें तो नंबर ऑफ सेल इज कैप रिलेटिवली कॉन्स्टेंट थ्रू सेल डेथ एंड डिविजन्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 50 से 70 बिलियन सेल्स रोजाना मरते हैं, तो डेफिनेटली इसी हिसाब से इससे ज्यादा सेल नए बनते भी हैं। तो ये जो अडल्ट्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको रेड ब्लड सेल की एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर एवरी 120 डेज हमारी ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो अब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद फिर नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है एपोप्टोसिस, इसके थ्रू सेल मस्ट बी रिप्लेस विद बिकम डिजीजेज ऑफ माल फंक्शनिंग। तो सेल जो हैं वो इनके अंदर एक तो बैलेंस भी रहता है बॉडी के अंदर, और फिर इससे जो बहुत सारी डिजीजेज हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं, और उनकी जगह जब नए हेल्दी सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं तो इससे बॉडी जो है वो रिमेन्स फिट। तो डेफिनेटली ये सारा जो है दैट आर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इसी तरह बच्चों जो नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है वो है नेक्रोसिस, दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है बेसिकली इज द नेम गिवन टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल एंड लिविंग टिश्यूज। यानी नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल डेथ है सेल की या टिश्यूज की, और नेक्रोसिस जो है इज लेस सीक्वेंशियल देन द एप्टोसिस। सो देर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस, यानी ये इसमें सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है और ये लेस सिग्निफिकेंस है इसकी एज कंपेयर टू एप्टोसिस के। अगर हम कॉजेज इसकी देखें नेक्रोसिस की, देर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस उसके अंदर इंजरी भी आ जाती है, एकदम इंजरी कोई आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कैंसर हो जाए, इन्फ्रैक्शंस ये हो जाए। नेक्रोसिस में अक्कर वन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक यानी विद लैक्स ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। जब हम उसके अंदर भी चले जाते हैं तो सेल को जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो उससे भी सेल की डेथ हो जाती है। इसके अलावा नेक्रोसिस जो है दैट इज अकॉम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम द लाइसोसोम्स। नेक्रोसिस के अंदर खास किस्म के थ्रू जो है वो लाइसोसोम एंजाइम्स खारिज करते हैं जो कि सेल को डेथ कर देते हैं, उसकी डेथ की वजह बन जाते हैं। और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये सेलुलर कंपोनेंट्स जो है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, चाहे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स हैं, एंड आल्सो बी रिलीज आउटसाइड द सेल टू ब्रेक द सराउंडिंग सेल्स। और ये जो एंजाइम्स हैं जब ये कोई भी सेल से रिलीज होते हैं तो जो साथ वाले सेल्स हैं ये उनको भी डेफिनेटली सराउंडिंग सेल्स को भी ये ब्रेक डाउन करते हैं, डैमेज करते हैं। नेक्रोसिस में भी आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि नेक्रोसिस के थ्रू जब ये सेल्स जो हैं वो ये खास किस्म के एंजाइम्स खारिज करते हैं जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है, तो ये इन्फेक्शन जो हैं, ये केमिकल्स जो हैं जो साथ वाले जो हेल्दी सेल्स हैं ये डेफिनेटली उनको भी डैमेज करते हैं। अब ये जो एक्सीडेंटल डेथ है जिसके थ्रू सेल जो है नेक्रोसिस जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है, इसका पैटर्न क्या है, मखसूस डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस। देर आर मैनी डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस, यानी ये जो एक्सीडेंटल डेथ है सेल की इसके डिफरेंट पैटर्न हैं, मखसूस पैटर्न हैं। नंबर वन, नेक्रोसिस में अक्कर वेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक विद लैक्स ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि नेक्रोसिस एक तो उस वक्त होती है कि जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं या सेल ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद हो जहां ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में हो, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी सेल की डेथ हो जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्रोसिस में बी यूजली एसोसिएटेड विद द सेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड पस फॉर्मेशन। दूसरा जो इसका पैटर्न है जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है नेक्रोसिस का, वो है सेलुलर डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ का अमल, सेल के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, पस पड़ जाए, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। जैसे नमूनिया एक एग्जाम्पल है इसकी कि वो पस पड़ जाती है हमारी ब्रोंकियाइज के अंदर और वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होते और फिर ये सारा प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह नेक्रोसिस जो है मे बी ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वीनस ड्रेनेज ऑफ एन ऑर्गन आर टिश्यूज। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं इनमें अगर जो वेन्स जा रही हैं, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर उन ऑर्गन्स टिश्यूज तक ना पहुंच सके, तो इसकी वजह से भी उन सेल्स टिश्यूज की डेथ हो जाती है थ्रू नेक्रोसिस। सो दीज आर द डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस। इसके अंदर ये डायग्राम के अंदर मैंने इवेंट्स द फिनोमेना ऑफ एप्टोसिस ये चीजें जो हमने पहले डिस्कस की उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो दो फिनोमेनाज हैं एप्टोसिस और नेक्रोसिस, इसके थ्रू सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। एप्टोसिस और नेक्रोसिस में इसकी अगर मैं कुछ जैसे वो मैंने आपको एप्टोसिस के अंदर रेड ब्लड सेल्स या बाकी जो सेल्स हैं उनकी एग्जांपल दी, नेक्रोसिस के अंदर हम देखें स्पाइडर बाइट्स इज आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज। नेक्रोसिस में बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू वाउंड साइट। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि एप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर आती हैं जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है। तो हमारे इस चैप्टर सेल साइकिल का ये लास्ट टॉपिक था
जिसके अंदर हमने जो सेल की डेथ है जो कि दो फिनोमिनास एप्टोप्सिस और नेक्रोसिस इसके थ्रू होती है, इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 सेल साइकिल, ये मुकम्मल हो गया। इसके अंदर हमने मियोसिस माइटोसिस इनकी डिटेल्स के साथ पढ़ा, और उसके साथ आखिर में हमने जो ये जो सेल डेथ के जो दो फिनोमेनास हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस इनके बारे में भी डिटेल के साथ पढ़ा। यहाँ इस चैप्टर के एंड पे एक दो दो छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि एक आध लाइन में बता दिया जाए आपको। जैसे एक है, नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज इन इट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं जो कि डिवाइड होते रहते हैं, और कुछ जो है वो टेम्परली या परमानेंटली डिवाइड नहीं होते। तो जब वो डिवाइड नहीं होते तो अपने आप को जी जीरो फेज में ले आते हैं। तो इसकी अलहदा अलहदा एग्जाम्पल दी, वो सेल्स जो परमानेंटली अपने आप को जी जीरो फेज में ले आते हैं, यानी वो आगे एक दफा फॉर्मेशन के बाद डिवाइड नहीं होते, तो नर्व सेल्स जो है उनके अंदर वो है। सेल्स दैट हैव टेम्परली या परमानेंटली स्टॉपिंग डिवाइडिंग आर सेड टू एंटर सो दैट ऑफ सीक्वेंसेस कॉल्ड जी जीरो फेज। तो ये अपने आप को जी जीरो फेज में ले आते हैं। तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये अपने आप को जी जीरो फेज में रख लेते हैं एक दफा बनने के बाद, ये डिवाइड नहीं होते। फिर इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन था, हाउ इज साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो ये भी हमने जब साइटोकाइनेसिस पढ़ा था एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, तो इसके अंदर हमने डिफरेंसेस पढ़ा। साइटोकाइनेसिस जो है बेसिकली ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जो है जब ये होता है तो उस प्रोसेस के थ्रू एक क्लीविज बनता है सेल के दरमियान में, और ये जो क्लीविज है फॉर डेवलप वेयर द मेटाफेज प्लेट, जहाँ मेटाफेज प्लेट होती है वहाँ पे ये बनता है, और एट द साइट ऑफ द साइटोप्लाज्म आर रिंग माइक्रोफिलामेंट्स जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, और ये जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है डीपिंग अंदर की तरफ से, और वो जो दरमियान में से लाइन है वो पिंच करता है, जिसकी वजह से एनिमल सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी इस तरीके से साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल हो जाती है। जबकि ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ये एक एनिमल सेल है, ये दरमियान में वो जो फरो लाइन है वो बनती है, ये दरमियान में पिंच करता है, और इस तरीके से ये दो सेल जो हैं वो बन जाते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर ये जो साइटोकाइनेसिस है अकर्स डिफरेंटली, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वेसिकल्स जो हैं दे आर ड्राइव जो कि गल्जी बॉडी अपरेटस से बनते हैं, और वो मूव करके दरमियान में सेल के मिडल में आ जाते हैं, और फिर वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट वो रिलीज करते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है सेल प्लेट जिसे कहते हैं। और ये जो पैलेट, सॉरी सेल प्लेट, सेल पैलेट ग्रोज आउटवर्ड फ्रॉम एंड मोर वेसिकल्स फ्यूज विद इट। फिर इस ये आगे डिस्चार्ज होती है, फ्यूज होती है, वेसिकल्स फ्यूज होते हैं इससे, और ये जो मेम्ब्रेन है सेल पैलेट का फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज कर जाती है, और इसके जो कंटेंट्स हैं बेसिकली दे आर जॉइंट टू द पेरेंटल सेल वॉल। तो लिहाजा रिजल्ट के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दो डॉटर सेल, प्लांट डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर व्हेन आवर वाउंड्स आर हील्ड। माइटोसिस बेसिकली होती है जब हमें कोई जख्म आ जाता है तो वो सेल डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी जगह जब नए सेल, वो जख्म ठीक होता है तो नए सेल आ जाते हैं, तो वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस एंड दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट टू द मल्टी सेलुलर बॉडी एंड ग्रोथ। और ये जो डैमेजिंग टिश्यूज हैं जो कि किसी भी जख्म की वजह से डैमेज होते हैं, तो इनमें फिर रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है, हील्ड अप का, और नए सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, दैट आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बीइंग रिप्लेस सेल्स, सो रिटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो इस तरीके से वो पार्ट ऑर्गन जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल था, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, और उसके साथ था एप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर के अंदर जो एक दो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से हमारे इस वीक का ये आखिरी लेक्चर था जिसके अंदर हमने अपना 5वां चैप्टर सेल साइकिल इसको मुकम्मल किया। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स।
फिर हम अपने नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया।